हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू मटर और पनीर मिक्स मसाले वाली सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाली है फ्रेंड्स, और लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट तक मैं कुछ ना कुछ इसमें मिक्स करूँगी, तो इसलिए विदाउट स्किप किए हुए आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और बहुत ही टेस्टी बनती है विदाउट ओनियन एंड गार्लिक के। ओनियन थोड़ा सा ही मैं डालूंगी। ये मैं 2 टोमेटो 2 पोटैटो ली हूँ काट करके, और इसे साथ में ही बॉईल करूंगी। मैं 2 बड़े साइज में टोमेटो ली हूँ और पोटैटो, और उसको मैं ये देखिए बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। जब तक बॉईल हो रहा है तब तक मसाले बता देती हूँ क्या लेना है। 1 ओनियन 1 ग्रीन चिली, क्यूमिन सीड, साल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर और गरम मसाला, और जीरा, ओनियन और ये ग्रीन चिली 1-1 मैं ली हूँ। और इसे हम फ्राई करने के लिए जब तक रख दिए हैं, और बॉयल होने के बाद हम पोटैटो को फ्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और मटर भी डाल देंगे साथ में ही फ्राई करने के लिए। ये देखिए फ्राई हो रहा है, ढक करके मैं 1 मिनट मीडियम फ्लेम में रख दी थी। ये देखिए फ्राई जब हो जाए तो आफ्टर मैं सारे मसाले इसमें मिक्स कर दूंगी। सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब यह फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी जो मैं ली थी 2। तो ये देखिए मैं टोमेटो प्यूरी में डाल दी हूँ, और इसे 1 मिनट तक अगेन हम कुक करेंगे फुल फ्लेम में। जब यह कुक हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1.5 बॉल वाटर, 1 बॉल बिग साइज एंड 1/2 बॉल, और इसे फुल फ्लेम में ढक करके हम पकाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए अभी हम ढक करके छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो अभी एक देखिए हो गया है, अभी बॉयल होने लगा है। तो जब यह गाढ़ा हो जाए ग्रेवी, तो इसमें हम डाल देंगे पनीर, फ्राई किया हुआ पनीर डाल दिए हैं ये देखिए। जब यह पनीर डालने के बाद अगेन हम इसको पकाएंगे 1 मिनट तक फुल फ्लेम में। तो ये देखिए हमारी आलू मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी लेकर। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।